बिग बॉस ओटीटी की सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट जिसे जनता का सबसे ज्यादा प्यार मिल रहा है वो है आप सबो की फेवरेट भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह। और जहां बिग बॉस में इन्हें शेरनी का टैग दिया गया है, लेकिन आपको बता दूं कि अक्षरा सिंह सिर्फ बीबी ओटीटी की शेरनी ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी वो शेरनी ही है। भोजपुरी एक्ट्रेस से बीबी ओटीटी का सफर अक्षरा सिंह के लिए आसान नहीं था और उन्होंने अपने लाइफ में कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं और बहुत ही मुश्किल वक्त से भी गुजरी हैं, लेकिन कभी हार नहीं माना। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको अक्षरा सिंह के इंस्पिरेशनल लाइफ स्टोरी के थ्रू उनके सक्सेस स्टोरी के बारे में भी बताएंगे, जिसे जानकर आप हैरान होने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अक्षरा सिंह का जन्म 30 अगस्त 1993 को पटना बिहार में हुआ। इनके फैमिली में इनके मम्मी पापा और एक भाई हैं। इनके पापा का नाम है विपिन सिंह और माँ का नाम है नीलिमा सिंह और ये दोनों भी पेशे से एक्टर और एक्ट्रेस हैं। इनके छोटे भाई का नाम है केशव सिंह और आज अक्षरा इतनी अच्छी एक्ट्रेस है उसका क्रेडिट भी उनके मम्मी पापा को ही जाता है। बात करें अक्षरा सिंह के एजुकेशन की तो उन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पटना से की हुई है और अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है। चलिए अब बात करते हैं अक्षरा सिंह के करियर की। तो आपको बता दूं कि अक्षरा सिंह ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में सतमेव जयते मूवी के साथ की थी, जिसमें उन्होंने रवि किशन के साथ काम किया था और उनकी यह मूवी काफी हिट हुई थी। और उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई हिट मूवीज दिए हैं और अपनी बेहतरीन एक्टिंग से उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना अलग ही नाम बना लिया है। इसके साथ साथ वो टीवी सीरियल में भी नजर आ चुकी हैं और उनका पहला टीवी सीरियल था काला टीका जो 2015 में आया था और इसके बाद अक्षरा सोनी टीवी के पॉपुलर शो कर्ण में नजर आ चुकी हैं। इसके साथ ही पोरस और सर्विस वाली बहू में भी नजर आ चुकी हैं। और अब बात करें इनके हॉबीज की तो अक्षरा एक्टर और डांसर के अलावा एक बहुत अच्छी सिंगर भी हैं और भोजपुरी में इन्होंने कई सॉन्ग्स में अपनी आवाज़ भी दी है और फिलहाल ये बिग बॉस ओटीटी में नजर आ रही हैं, जहां बाकी कंटेस्टेंट को छोड़कर अक्षरा को ऑडियंस का सबसे ज़्यादा प्यार मिल रहा है। और अब बात करें इनके पॉपुलरिटी की तो इनके फेसबुक और इंस्टाग्राम में मिलियंस फॉलोअर्स हैं। और अब बात करें इनके मैरिटल स्टेटस की तो ये अभी सिंगल हैं। और अब बात करते हैं इनके कंट्रोवर्सी की तो आपको बता दूं कि इनके एक्स बॉयफ्रेंड रहे भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर पवन सिंह से हुए ब्रेकअप ने सोशल मीडिया में तहलका मचा दिया था, क्योंकि पवन सिंह और अक्षरा दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और कई सालों से रिलेशनशिप में थे, लेकिन इसके बावजूद भी पवन सिंह ने अक्षरा को छोड़कर रातों रात किसी और लड़की से शादी कर लिया और इसके बाद अक्षरा और पवन सिंह का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन इस बात ने काफी तूल पकड़ लिया था क्योंकि उस वक्त अक्षरा सिंह को पवन सिंह के चाहने वाले और फैंस उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे थे, लेकिन उस वक्त भी अक्षरा सिंह किसी से डरी नहीं और आज कई लोगों के इंस्पिरेशन बन चुकी हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री में बिना डरे एक्टिंग करना चाहती हैं। और आज अक्षरा सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री का ऐसा नाम बन चुकी हैं जिनके होने से ही मूवी हिट हो जाती है। फिलहाल वो मुंबई में रहती हैं, लेकिन उनका होम टाउन पटना बिहार है। फिलहाल बीबी ओटीटी में छाई हुई है अक्षरा और फिलहाल बीबी ओटीटी की सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट भी वही हैं और उम्मीद है वो बीबी ओटीटी की विनर भी बन जाए और उम्मीद है वो आने वाले टाइम में और भी ढेर सारी बुलंदियों को छुए। इसी विश के साथ मैं इस वीडियो को यहीं करना चाहूँगी। दैन, क्या आप भी अक्षरा सिंह के फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।